क्या पता जस्ट बोरिंग है तो चलिए बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। आज मेरे घर में बना हुआ है बहुत ही स्पेशल खाना, इसीलिए मैं रखूंगी मेन कोर्स में पूड़ी और छोले। इसके लिए मैंने लिया है ये ग्रीन कलर वाला 3 लेयर लंच बॉक्स। सबसे पहले वाले पार्ट में हम लगा देंगे डिवाइडर और रखेंगे ये पूड़ियां। ये एक्चुअली हमने कल बनाया था क्योंकि कल थी नाग पंचमी। अगर शॉर्ट में नाग पंचमी की स्टोरी बताऊं तो कुछ ऐसी, राजा परीक्षिता को तक्षका नाम का सांप काट लेता है और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो उनका बेटा जन्मेजय अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए स्नेक सैक्रिफाइस ऑर्गेनाइज करते हैं। आस्तिक मुनि आखिरी में आके इस योजना को रोक लेते हैं। ये है एक स्टोरी, लेकिन एक और स्टोरी है जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। इसके अकॉर्डिंग कालिया नाग नाम का एक नाग था जो कि गोकुल को बहुत परेशान करता था। गोकुल यानी कि वो जगह जहाँ पर कृष्ण जी रहते थे। एक दिन यमुना नदी के किनारे कृष्ण जी खेल रहे थे और उनकी बॉल गिर गई पानी में। जैसे ही वो पानी में उतरे वैसे ही आ गया कालिया नाग। बस फिर क्या था, भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को हरा दिया और हम सेलिब्रेट करने लगे नाग पंचमी। बाय बाय।